रामलीला का हाल है, यहाँ पे आज विजय दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया गया और रावण का वध करके आज विजय रथ पे सवार मेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और उनकी वानरी सेना और हमारे प्रभु श्री राम अपने साथ अपनी सीता को भी साथ में वाटिका से लेकर अयोध्या पहुँचे हैं और आप सब देख ही सकते हैं क्या काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है ये। और काफ़ी खुशहाली माहौल है और काफ़ी मस्त नज़ारा है कि आज रावण का वध करके प्रभु श्री राम माता सीता को अपने साथ लेकर अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ का कुछ नज़ारा देख सकते हैं, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको। ये नज़ारा है हमारे चंदपुरा कोयला रामलीला मैदान का। ये हमारे रामलीला समिति के कलाकार हैं, इनके द्वारा आज हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो आशा करें कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अभी लास्ट में रामायण की आरती होगी, उसके बाद हमारा कार्यक्रम एकदम से समाप्त हो जाएगा। फिर विगत वर्षों की भांत उस वर्ष भी चालू होगा और काफी धूमधाम से चालू होगा। हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अभी आरती हो रही है, रामायण की आरती हो रही है, क्योंकि कार्यक्रम संपन्न हुआ तो रामायण की आरती हो रही है। हमारे डायरेक्टर साहब और रामलीला समिति के अध्यक्ष साहब अभी आरती कर रहे हैं हमारे कलाकारों का और आप सब देख सकते हैं क्या दृश्य, क्या नज़ारा है। काफ़ी पावन अवसर पर ये सब कुछ देखने को मिलता है। समिति के मालिक माननीय श्री रामलाल जी आरती कर रहे हैं। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये दशहरा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। हमारी रामलीला समिति यही दुआ करती है कि जितने भी हमारे इस वीडियो पे भाई लोग आए हैं, भक्तगण आए हैं, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। भैया दिखा रहे हैं क्योंकि अभी आरती का समय हुआ था, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है तो लास्ट में रामायण की आरती हुई है। और यहाँ का नज़ारा क्या है, हम तो आज खाली नहीं, तो इसलिए मैं ब्लॉग अपना शूट नहीं कर पाया, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। और आप सब देख सकते हैं कि ये मेला समापन की ओर है और धीरे धीरे मेलार्थी अब सब जा रहे अपने घर। अभी आप सब देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग अपने घर जा रहे हैं
ये हाल ये नज़ारा चंदपुरा कोयला रामलीला मैदान का है, जहाँ पे विजयदशमी के उपलक्ष्य में आज ये मेला समापन हुआ है। काफी खूबसूरत नज़ारा है ये। हमारे रामलीला समिति के एक अच्छे जाने माने कलाकार हैं, ये कलाकारी में परिपूर्ण हैं, आप सब देख सकते हैं। काफी खुशी का महसूस हो रही है ना कि कार्यक्रम खत्म हो गया और विजय रथ पे सवार हो गए आप। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई सही है। और इनके चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। जी भाई जी, आप सब देख सकते हैं। और हमारे भैया जी हैं जो कि रामलीला समिति के अच्छे जाने माने कलाकार भी हैं, कलाकारी में परिपूर्ण हैं। कोई भी कला इनको सौंप दी जाए, ये बखूबी अपना उसमें श्रेय देते हैं और श्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं हमारे भैया जी। और ये देख सकते हैं मेला समापन हुआ और धीरे धीरे लोग अपने अपने घर पे जा रहे हैं। भैया ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त जो कि काफ़ी दूर से चल के आए मेला देखने के लिए। और एक मेरा भाई पीछे से आ रहा है, वो भी है इस मेले में सिक्योरिटी गार्ड से काम कर रहा था। और आइए देखते हैं ये AKM40 Show जिनका चैनल है यूट्यूब पर, और इनके चैनल पे जाके सपोर्ट कीजिएगा और काफ़ी कॉमेडी वीडियो डालते हैं। आप सब देख सकते हैं हमारे इस रामलीला मैदान का हाल नज़ारा दृश्य। और हमारा इस ये कार्यक्रम बड़े अच्छे से संपन्न हुआ, काफ़ी अच्छा लगा ये कार्यक्रम। हम लोगों का 10 दिन का कार्यक्रम हर साल होता है और 10 दिन के कार्यक्रम में 11वें दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके माता सीता को अयोध्या वापस लाते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास से हम ये दशहरा मनाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत। अभी हमारे भाई लोग हैं मेले का आनंद लेकर अभी घर जा रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। तो अभी आप सब देख रहे हैं मेले का आनंद लेके हमारे दो भाई इधर दो भाई हैं। ऑलरेडी मैं आपका चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा हूं। आई देखिए भाई, ये मेरा सब्सक्राइबर है भाई, और इनका मैं हूं। अरे बहुत सही भाई, ऐसे ही मिलते रहेंगे तो हमारा चैनल बहुत आगे जाएगा। हमारे ये बड़े भाई हैं, ये आए हैं मेले का आनंद लेने के लिए। और आप सब देख सकते हैं कि अभी प्यारे इनकी जोड़ी है, जय और बीरू की जोड़ी है। हाँ, क्योंकि कभी टूटती नहीं, अटूट है ये जोड़ी जो 2 मिनट के बाद फिर वापस चली आती है। तो काफी खुशहाल माहौल है। हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत। जय जय भारत, जय श्री राम।